हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तानाशाही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तानाशाह सबसे डरपोक आदमी होता है, और जो ये दो गुजरात के तानाशाह यहाँ बैठे हैं, उनके जैसे डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। ये ईडी सीबीआई क्या है, छोड़ दो, कल हमारी सरकार आएगी तब दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। यही ईडी, यही सीबीआई आपको भी हाथ कड़ी डालकर लेके जाएंगे हमारे सामने, आपके सामने। जेल से छुटकर नहीं आते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और उनके बाद भी जारी रहेगी जब तक आप लोगों को हम जेल में नहीं डालते। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने उनको हराया है 3 बार, वैसे इस बार देश की जनता ने मोदी और शाह को हराया है। सरकार यहाँ से हटने वाली है और इंडिया की सरकार आ जाएगी, इतना मैं कहता हूँ। पूरा इंडिया ब्लॉक केजरीवाल जी के समर्थन में इस मंच पर उपस्थित है, और दिल्ली की जनता इस कड़ी धूप में अपने नेता के लिए यहां उपस्थित है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरी पार्टी शिवसेना, मेरे नेता उद्धव ठाकरे और आप और केजरीवाल जी का डीएनए एक जैसा ही है। हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये तानाशाही के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और मुझे विश्वास है, आई लव केजरीवाल, देखा मैंने, इंडिया लव केजरीवाल, पूरा देश, इंडिया केजरीवाल जी से प्यार और मोहब्बत करता है। इस मंच पर सभी नेता है जो इस संघर्ष के घड़ी में केजरीवाल जी के साथ है। मेरे साथी संजय सिंह, वो 6 महीना जेल में रहकर आए, मैं खुद 4 महीना जेल में रहा हूं। ये अन्याय की परिसीमा है, ये खत्म हो जाएगी। जैसे कि प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा, तानाशाह सबसे डरपोक आदमी होता है, और जो ये दो गुजरात के तानाशाह यहां बैठे हैं, उनके जैसे डरपोक आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखे हैं। उनके हाथ में पुलिस है, निकालो पुलिस, आओ सामने। ये ईडी सीबीआई क्या है, छोड़ दो, कल हमारी सरकार आएगी तब दिखाएंगे ईडी सीबीआई क्या है। यही ईडी, यही सीबीआई आपको भी हाथ कड़ी डालकर लेके जाएंगे हमारे सामने, आपके सामने। हौसला रखो, केजरीवाल जी इस दिल्ली के सेनापति है, पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। हम योद्धा है, हम लड़ने वाले हैं। मैं इतना ही कहूंगा, चाहे लड़ाई पार्लियामेंट में हो, चाहे सड़क पर हो, जब तक केजरीवाल जी और उनके साथी जेल से छुटकर नहीं आते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और उनके बाद भी जारी रहेगी जब तक आप लोगों को हम जेल में नहीं डालते। बहुत वरिष्ठ नेता मंच पर है, आप उनकी भी बात सुनिए। हम सब आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, और इसलिए साथ रहेंगे, ये जो दिल्ली में सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से अल्पमत में है, उनके पास बहुमत नहीं है। जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने उनको हराया है 3 बार, वैसे इस बार देश की जनता ने मोदी और शाह को हराया है, और जल्दी ही
ये सरकार यहाँ से हटने वाली है और इंडिया की सरकार आ जाएगी, इतना मैं कहता हूँ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।